Hello and a warm to YouTube वेरी गुड मॉर्निंग गाइज आई होप यू आर स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत पढ़ाई और फैमिली का ध्यान काफी अच्छी तरीके से रख रहे हो दोस्तों आज तारीख है सात अक्टूबर और सात अक्टूबर से जो भी संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज के दिन में घटे हैं वो मैं आप लोग को कराने वाला हूँ तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक तो देखें एवं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं मोबाइल आइकन को दबा लें उससे क्या होगा जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा तो पहला क्वेश्चन अंतर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन है बारहवा ब्रिक्स सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा ये जो बारहमा ब्रिक्स सम्मेलन है वो सत्रह नवंबर को आयोजित किया जाएगा इस वर्ष शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में हो रहा है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच बहुपक्ष बहुपक्षीय सहयोग को नियंत्रित करना है तो जो ये ब्रिक्स सम्मेलन है उसका अध्यक्षता कौन कर रहा है तो रूस इसका अध्यक्षता कर रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं नौसेना अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा तो जो नौसेना का अलंकरण समारोह है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर ऑन वोड स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है ये स्विगी पे स्विगी के साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है जो कि ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर ऑन वोड स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए ये समझौता हुआ है स्विगी से आप लोग खाना वगैरह ऑर्डर तो करते रहते ही होंगे स्विगी से या फिर आपका जोमेटो हो गया तो जो भी अब आप अगर जो कोई खाना नहीं बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई आप रोटी वगैरह बना लिए लेकिन सब्जी नहीं बना पा रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा कि आप ऑर्डर कर लीजिए और आराम से घर बैठे आप खाना खा सकते हो तो ये स्विगी के साथ में ये आपका समझौता पर चाचा किया गया है इस समझौते का उद्देश्य स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हज़ारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करना और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करना है इसके द्वारा क्या होगा कि स्विगी या फिर जोमेटो जो भी आपका फूडिंग प्रोवाइड करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करना है ताकि उन लोगों का भी जो भी बिजनेस वो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा बिजनेस कर सके ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में कोविड नाइन्टीन के रोगियों के लिए फेबी पिरावीर चिकित्सा शुरू की है फेबी पिरावीर चिकित्सा उड़ीसा के द्वारा आइसोलेशन में कोविड नाइन्टीन रोगियों के लिए किया गया ठीक है तो उड़ीसा का बात है तो उड़ीसा जुड़े फैक्टर लेते हैं कैपिटल है भुवनेश्वर और इसका भुवनेश्वर है गवर्नर गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है लेजिस्लेचर यानी कैमरा में 147 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है लोकसभा में इक्कीस सीट है और हाईकोर्ट कहां है ओडिशा कोर्ट ठीक है एरिया बाई रैंकिंग एट है और पॉपुलेशन वाई रैंकिंग इलेवन है अब ये देख लेते हैं ऐसा कुछ जो नेशनल नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं तो सिमली पाल नेशनल पार्क हो गया और भित्तर कनिका नेशनल पार्क हो गया ये जो दो, दोनों नेशनल पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है भितरिक कनिका नेशनल पार्क कहाँ है तो ये ये जो नेशनल पार्क है दोनों आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए ठीक है अब ये देखते हैं कि आपका जो ओडिशा है वो किस किस राज्य से इसका बाउंड्री शेयर होता है तो ये वेस्ट बंगाल से शेयर करता है झारखंड से करता है और आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ से करता है आप देख लीजिए मैप में उड़ीसा कहाँ है ये आपका ओडिशा रहा ठीक है और छत्तीसगढ़ से कर रहा है झारखंड से कर रहा है वेस्ट बंगाल से कर रहा है और आंध्र प्रदेश से कर रहा है तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बॉन्डिश्वर हो रहा है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य के पुलिस प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा अब छत्तीसगढ़ का मेटर है तो उसी जो फैक्ट करते हैं कब ये फॉर्म किया गया था एक नंबर दो में छत्तीसगढ़ को फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में ठीक है कैपिटल का है रायपुर है लार्जेस्ट सिटीज का रायपुर ही है गवर्नर अनुसुईया उके है और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इनकी कैमरा में नाइन्टी नाइन्टी वन सीट है राज्यसभा में पाँच सीट है और लोकसभा में ग्यारह सीट है हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो कि बिलासपुर में है एरिया वाई रैंकिंग नाइन्थ है और पॉपुलेशन वाई रैंकिंग सेवन है कुछ नेशनल पार्क है जो काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंदिरावती नेशनल पार्क फिर का, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आप लोगों को याद होना चाहिए अब ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किस किस राज्य से इसका बाउंड्री शेयर होता है तो झारखंड से शेयर हो रहा है ओडिशा से हो रहा है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र झारखंड आंध्र प्रदेश ये आपका छत्तीसगढ़ का बाउंड्री शेयर हो रहा है छत्तीसगढ़ देख लीजिए कहां पे है ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ पे, पे है आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा झारखंड से हो रहा है ओडिशा से आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से तो ये आपका छत्तीसगढ़ कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर हो रहा था ये आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार बीसवीं जीत दर्ज की है तो ये महिला क्रिकेट टीम के के बारे में फैक्ट्स है न्यूज़ है और वनडे क्रिकेट में लगातार बीसवीं जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम है जो कि जीत दर्ज की है और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया और लगातार बीस वनडे मैच इन्होंने जीता है काफ़ी प्रशंस काफ़ी ज... अच्छी तरीके से गेम ये लोग खेलते हैं और गेम को समझते हैं तभी तो इतना अच्छा कारनामा ये लोग ने किया है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है ये गुजरात के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का घोषणा किया गया है गुजरात राज्य सरकार द्वारा यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का घोषणा किया गया है अब देखते हैं गुजरात किस किस राज्य से इसका बाउंडी से होता है पहले गुजरात का इन फैक्ट लेते हैं कैपिटल कहा है गांधीनगर है राजस्थान इसका अहमदाबाद है गवर्नर आचार्य देवव्रत है और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है विधानसभा एक सौ सीट है और राज्यसभा में ग्यारह सीट है लोकसभा में छब्बीस सीट है और हाईकोर्ट का है गुजरात हाईकोर्ट जो कि अहमदाबाद में है एरिया बाई रैंकिंग फिफ्थ है और पॉपुलेशन वाई रैंकिंग क्या है नाइन्थ है अब ये देख लेते हैं कि गुजरात किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है तो ये आपका राजस्थान से कर रहा है मध्य प्रदेश से कर रहा है दादर नगर हवेली से कर रहा है दमन एवं दीव से कर रहा है ठीक है तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है और एक एक, -एक देश है पाकिस्तान जो अपना बड़ा ही मित्रता वाला देश है मित्रता है या शत्रुता वाला देश है वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा पर देश है जो कि गुजरात का बाउंड्री फेयर होता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ब्लैक हॉक नेशनल पार्क गिल फॉरेस्ट नेशनल पार्क मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क और वंसदा नेशनल पार्क ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आप लोगों को याद होना चाहिए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं नेशनल पार्क करा रहा हूँ स्टेट वाइज आप लोग पहले क्या करी, करना क्या है ऊपर में बिहार लिख लेना है और बिहार के बारे में जो भी विधानसभा में कितना सीट है लोकसभा में कितना सीट है राज्यसभा में कितना सीट है उसके बाद से कौन कौन से नेशनल पार्क है कौन कौन से राज्य जैसा बाउंड्री शेयर हो रहा है तो वो सारे कुछ को एक प्रॉपर वे में आप लोग जब लो, जब भी आप लिख लोगे तो जब भी आपका एग्जाम्स आने वाला होगा एक बार ओवरव्यू कर लोगे तो क्या होगा ना कि जब भी एग्जाम्स होगा एक बार ओवरव्यू कर लिए तो फिर आपको अगर जो कोई नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ गया या विधानसभा में कितना सीट है लोकसभा में कितना सीट है राज्यसभा में कितना सीट है तो वो गलत करने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तो इस तरीके से अगर जो स्मार्टली प्रिपरेशन करते हो तो फिर आपको जीएसटी वगैरह में भी अच्छा मार्क्स बन पाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तगड़म अपना व्यू पड़ेगा किस तरीके से करें कि गलती करने का चांसेस बहुत कम हो तो ये था आपका कुछ नेशनल पार्क ठीक है जो कि गुजरात में है अब ये देख लेते हैं यहाँ पे फैक्ट्स में देख लेते हैं मतलब मैप में देख लेते हैं गुजरात कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर कर रहा है देख लीजिए गुजरात का है राजस्थान से कर रहा है महाराष्ट्र से कर रहा है मध्य प्रदेश से दमन एवं दीव से और दादर नगर हवेली इधर पाकिस्तान का पार्ट है उससे इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है तो ये था आपका गुजरात के फैक्ट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी की एक सौ इक्यावनवी जयंती के उपलक्ष्य में मनीष सिसोदिया ने एक कॉफी बुक लॉन्च किया है इसका शीर्षक क्या है यानी इस बुक का नाम क्या है तो इस बुक का नाम बापू द अनफॉर्गटेबल है ठीक है जो कि मनीष सिसोदिया के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है और एक सौ इक्यानवी एक इक्यानवी एक सौ इक्यानवीं जयंती पे ये बुक लॉन्च किया जा रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वाड देशों के सम्मेलन में भारत की ओर से एस जयशंकर ने भाग लिया है यह कहाँ आयोजित किया गया है जो ये क्वाड देश का सम्मेलन हो रहा है उसको भारत की ओर से जो लीड कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एस जयशंकर हैं और ये जो आयोजित कहाँ किया जा रहा है तो ये टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है टोक्यो कहाँ जापान का कैपिटल टोक्यो है वहाँ आपका क्वाड का मीटिंग हो रहा है और वहाँ से मतलब जो वहाँ मीटिंग में जो पार्टिसिपेट किए थे जो भारत की ओर से रिप्रेजेंट किए थे वो एस जयशंकर थे विदेशी मंत्री एस जयशंकर कल छो अक्टूबर दो को टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया भारत जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के चतुर्भुज या क्वाड विदेशी मंत्रियों के मुलाकात किए यह बैठक क्वाड समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और बैठक क्षेत्र में चीन की आत्मकता बढ़ती चिंताओं के कारण होगी ठीक है ये जो तो क्वाड है क्वाड कंट्रीज है वो फोर फोर राष्ट्रों का कंट्रीज है मतलब फोर नेशन का कंट्रीज है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है भारत है जापान है और यूएसए है कुल चार कंट्री का क्वाड है जैसे आपको नाम से क्वाड पता चल रहा होगा उसी तरीके से चार कंट्री भी है कौन कौन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और यूएसए तो यह था आपका क्वाड के बारे में अब टोक्यो का बात है यानी जापान का बात है तो जापान से जो फैक्ट बोलते हैं कैपिटल कहां है टोक्यो है और इसका इंपेरियर कौन है नॉर्वे और प्राइम मिनिस्टर कौन है उसी हिंदी बड़ा बड़ा अल्टर नाम है उसी उसी हिंदी सुग्गा सुग्गा जी हैं ठीक है बस इतना याद कर लिए सुग्गा क्योंकि इतना लंबा लंबा टर्म तो हम लोग से याद होता नहीं है बस सुग्गा जी हैं जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और इसके पहले कौन थे इसको आप लोग को कमेंट में बताना है इसके पहले कौन थे इसका आंसर बताना है उनके तबियत बिगड़ने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उसके बाद ये सुग्गा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ठीक है सुग्गा मतलब समझ आ रहा है तोता होता है तो वैसे याद कर लीजिएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है जापान के सुगा जी हैं करेंसी जापनीज यही चलता है अब जो ये जापान है उससे किसी राष्ट्र का आपका लैंड से बाउंड्री शेयर नहीं होता है जो भी होता है वो आपका मेरी टाइम बाउंड्री शेयर होता है जैसे आप रसिया हो गया फिर आपका चाइना हो गया नॉर्थ कोरिया हो गया साउथ कोर कोरिया हो गया तो और फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया जो ताइवान का पार्ट है तो ये सब जो है इसका मेरी टाइम बाउंड्री शेयर हो रहा है इससे इसका पूरा मतलब लैंड से बाउंड्री शेयर नहीं हो रहा है मेरीटाइम बाउंड्री शेयर हो रहा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइस है जैसे होकाइडो हन्सू हो गया फिर सिकोकू हो गया क्यूसू हो गया ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और पूरब का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं ये आप लोग को हमेशा याद रखना है पूरब के ग्रेट ब्रिटेन जापान को ही बोलते हैं और ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे हर साल आपदा आता है हर छः महीने में आपदा आता है लेकिन ये अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि विश्व के डेवलपमेंट कंट्रीज में इसका भी स्थान मतलब गजब गजब लेवल के रूप में है ठीक है तो ये जो जापान है वो बहुत ही प्यारी कंट्री है और इतने अपने आप को डेवलप किया हुआ है कि कितनी भी आपदा आ जाए लेकिन अपने आप को इस तरीके से संभाला हुआ है कि बस आप समझ लो कि डेवलपिंग कंट्री में से एक है ये था आपका जापान के बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने पांचवें अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इनका नाम यशस्विनी सिंह देशवाल है जो कि पांचवें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज प्रतियोगिता में 10 मीटर के एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है जो कि आपका ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हो रहा था निशानेबाजी का प्रतियोगिता था ठीक है प्रतियोगिता का आयोजन इंडिया शूटिंग डॉट कॉम ने किया था यह टोक्यो ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर चुकी है ये जो है वो टोक्यो जिनका नाम है सशिनी सिंह देसवाल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी अपना पार्टिसिपेशन इस जब ये ऐसा कारनामा किए तो इनका वहां भी अपना जगह इनको मिल गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आई ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को आई ए सी सी लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये रतन टाटा जी हैं जिन्हें आई एस सी सी लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे गलती से अनिल अंबानी आपका हाईलाइट हो गया माफ़ कीजिएगा इसका आंसर रतन टाटा है ठीक है रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति दानदाता है उनके नेतृत्व में टाटा समूह तीन दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़े रोजगार देने वाले भारतीय कंपनी बन गई है ये जो तो रतन टाटा जी हैं ये काफ़ी काफ़ी ही शानदार व्यक्ति हैं काफ़ी दरिया दिल इंसान है काफ़ी नेक दिल इंसान है इन्होंने अपने कार्यों से पूरे देश को गौरवान्वित किए हैं और ये गरीबों में एवं देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दान दिए हैं और देश के हित में काफ़ी सारे पैसा इन्वेस्ट किए हैं जिससे देश देश का प्रोग्रेस हो सके ठीक है तो ये था आपका रतन टाटा के बारे में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज ट्वेंटी ट्वेंटी का उद्घाटन किया है तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइस 2020 का उद्घाटन किया गया है राइस 2020 के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं राइस 2020 यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट ट्वेंटी यह शिखर सम्मेलन पांच से नौ अक्टूबर दो तक आयोजित किया जाएगा यह इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है यह था आपका राइस ट्वेंटी ट्वेंटी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन बना है ये पुडुचेरी जो है वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है मतलब यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो दिया जा रहा है जो भी ऊर्जा होता है मतलब जो भी लाइट जलता है या फिर जो भी चीज हो रहा है वो सौर ऊर्जा के थ्रू ही हो रहा है पुडुचेरी एयरपोर्ट ठीक है जो कि आपकी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है तो डॉक्टर किरण बेदी जी हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है नारायण स्वामी ठीक है नारायण स्वामी अगला क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कौन सा मुहिम शुरू किया था तो इनका नाम जो ये मुहिम शुरू किया गया उसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ठीक है ये जो मुहिम है वो क्यों शुरू किया गया वो तो आपको पता ही होगा कल भी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूं जो तो दिल्ली में ठंडा में क्या होता है जो ठंड के दिन में स्मॉग का कंडीशन बहुत रहता है ठीक है स्मॉग का पहले क्या होता है मतलब क्या होता है तो स्मॉक प्लस फॉग उससे होता है स्मॉग ठीक है अभी क्या है अभी ठंडा के समय में धान की कटाई होती है धान की जो फसल होती है उसे कटाई होती है और जो धान के फसल में जो जो हम लोग खाने योग्य पदार्थ होते हैं जिसको जो धान होता है जो चावल होता है वो हम अपने हम अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं अब जो नीचे का जो आपका जो भी पदार्थ जो भी आपका आ, वेस्ट मटेरियल होता है वो खेत में छोड़ के उसको जला देते हैं अब उससे क्या होगा जब खेत में जला दिए तो उससे क्या होगा वायु प्रदूषण होगा धुआं होगा अब धुआँ ही मिलेगा तो स्मॉग प्लस फॉग बनकर स्मॉग होगा और स्मॉग होने से जो स्मॉग होता है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है इससे आपका स्वच्छ आपका स्वास्थ्य लेने में काफ़ी तकलीफ महसूस होती है और इससे दिल्ली में बहुत सारे लोगों को जान जाता है हर साल ठीक है तो इसीलिए वो पहले से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है कि ताकि आने वाले समय में ऐसे कंडीशंस को फेस ना करना पड़े ये था आपका इस के बारे में जो कि दिल्ली में इसके लिए आपको कोई मुहिम स्टार्ट किया जा रहा है इसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भौतिक विज्ञान दो में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है यह दिया गया है ये रोजर पेन रोज और जें, ये इनमें से सभी ये तीनों लोगों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोजर पेनरोज रेन होट जेन जेल इंड्रिया धीज, देखिए यहाँ भी ज है यहाँ भी ज है यहाँ भी ज है तो थोड़ा सा बस ये सब जो नाम है ना वो इतनी जल्दी इंसान को याद नहीं होता है ठीक है तो इसके लिए कुछ हमको हम लोग हम लो को तगड़म करना पड़ता है कुछ तरीका खोजना पड़ता है ताकि हम लोग को याद हो जाए तो बहुत जल्द ही जैसे पूरा नोबेल पुरस्कार का वितरण हो जाएगा सब लोगों को मिल जाएगा उसके बाद बहुत जल्द हम लोगों के टीम के द्वारा काफ़ी शानदार शानदार ट्रिप के द्वारा आप लोग को नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो जो भी दो हज़ार बीस में नोबेल जो भी लोग को दो हज़ार बीस में नोबेल पुरस्कार मिला है उन लोगों के लिए उन लोग पर मतलब वैसे उस पर वीडियो इकाया जाएगा लाया जाएगा जिस पर काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा ठीक है तो बस आप लोग वेट कीजिए और आप लोग अपना प्यार देते रहिए वैसे आप लोग की प्यार में थोड़ा कमी मुझे महसूस हो रही है आ, मैं हर दिन बोलता हूँ यार वीडियोज़ को लाइक करो लेकिन आप लोग तो पता नहीं अपना ही मन का करते हैं कीजिए मैं भी देखता हूँ कब तक आप लोग मुझे इग्नोर करते हैं मैं भी आप लोग को मना के ही रहूंगा ठीक है तो ये जो भौतिक विज्ञान के लिए दो में नॉवेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है इनका नाम रोजर पेनरोज है हेन हार्ट जेन जेल है और इंडिया धीज है तो सबके लास्ट में ज ज ज और इसके सेकेंड वाला भी ज है तो उससे आप लोग अगर एग्जाम में कभी आएगा कि इनमें से किस व्यक्ति को नोबेल का नोबेल में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल नहीं मिला है तो आप लोग देख लीजिएगा पेन रोज जेन जेल धीज तो जिसमें जर् नहीं रहेगा उसमें सोच लीजिए कि बहुत की है तो बहुत की में जा, जिसमें जर्न नहीं है उसमें उसका मेरा आंसर हो जाएगा तो ये एक तरीका है बस जिससे आपको याद हो जाए हमेशा एग्जाम में आप सही कर लो और कोई उपाय नहीं है इसको अगर जो आप याद कर लिए ना तो बड़ा तीर मारने वाला कंडीशन नहीं है एग्जाम में सही करें वो बड़ी बात है याद करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद कर लोगे तो बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं बन जाओगे ठीक है तो बस याद इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छे मार्क्स ऑप्टेन कर सकें ये तो आपका फिफ्टीन क्वेश्चन और मूव करते हैं क्वेश्चन द लास्ट डे जिसका आंसर आप लोगों ने काफ़ी शानदार तरीके से दिया था क्वेश्चन है महिलाओं की एस सी ट्वेंटी रैंकिंग में कौन सा देश सिर्फ स्थान पर रहा है ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो एस टी ट्वेंटी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहा है और इसका आंसर शारदा पांडे जी के द्वारा ये पांडे जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है शारदा जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए और भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे खूब सारी ऊर्जा दे ताकि आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करो अपने घर परिवार का एवं अचीवर्स टीम का भी नाम रोशन करो ये स्मॉग के बारे में दिए थे स्मॉग में कौन कौन से गैसेज होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सा, एक्सा, होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है और ओजोन होता है इसके बाद फिर आ, मैं पूछा था इनसे कि सब लोगों से पूछा था इनसे क्या सब लोगों से पूछा था कि लास्ट टाइम किसको आपका नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में तो इसका भी आंसर इन लोगों ने मतलब इन इनके द्वारा काफी अच्छे तक दिया गया तो थैंक यू पांडे जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर देते रहिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है और मैं हर दिन सर्च करता हूं कि कौन से व्यक्ति का मैं नाम अभी तक नहीं लिया हूँ ठीक है तो आप लोग नए नए लोग आइए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मैं नाम लूँ इसमें से बहुत सारे लोग का नाम ले चुका हूं तो मैं नहीं चाहता कि वो सारे नाम को रिपीट करूं तुरंत तुरंत तुरं। तो आप लोग नए आइए भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम है तो क्वेश्चन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लेने के लिए किस ई e कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में जरूर दें यदि आप जी के जी एस या अस्टेटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ ही साथ जी के जी एस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें आज के पी के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग पढ़ते रहें घर पर रहें सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले दिन जय हिंद